أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कुलजम आशना ना हो तो कतरा मर्गे आशना कर दिया जाता है। कतरा की असल कुलजम यानी समंदर है। समंदर से जुदा होकर वो अपना सफर करता हुआ, अपनी शक्लें तब्दील करता हुआ आखिरकार या तो समंदर से मिलकर बका पा लेता है या फिर फना हो जाता है। तो वो कतरा जो इस सफर में कुलजम आशना नहीं होता, यानी जिस कतरे का कुलजम से वसाल नहीं होता, वो फना हो जाता है, चाहे वो शबनम की शक्ल में हो, बारिश या आंसू की सूरत में हो। कतरा की बका समंदर से वसाल में है। वो इंसान जिसको जिंदगी में हक से आशनाई हासिल नहीं हुई तो वो मुर्दा है। फरमाने हक ताला है कि जिक्र करने और जिक्र ना करने वाले की मिसाल जिंदा और मुर्दा किसी है। फरमाने वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह है कि फानी की मोहब्बत फना पैदा करती है, बका की मोहब्बत बका पैदा करती है, बाकी का महबूब बाकी ही होगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तू है मुहीते बेकरा मैं हूँ जरासी आबजू, या मुझे हम किनार कर या मुझे बेकिनार कर। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कतरे का सफर वसाले कुलजम के बाद अनल बहर का बयान है और ये बयान बयान में नहीं आ सकता। दिल हर कतरा है साजे अनल बहर, हम उसके हैं हमारा पूछना क्या।